गाइस इस कुक में आपका स्वागत है और आज हम बनाएंगे इंस्टेंट बनने वाली सब्जी और ये सब्जी 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। अगर आपको कोई सब्जी समझ ना आए तो आप इस रेसिपी को प्लान कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। एक पैन में हम डाल लेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल, हल्का सा गर्म कर लेंगे, गैस की फ्लेम को हम फुल रखेंगे। हम डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा और जीरे को हम हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। जीरा हल्का हल्का ब्राउन हो चुका है तो अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्ची और थोड़ा सा अदरक। इस सब्जी के अंदर अदरक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और स्पेशली जब आप अदरक को ऐसे छोटे छोटे चंक्स में काटते हैं तो इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। हल्का हल्का ब्राउन कर लेंगे। हल्का हल्का ब्राउन होने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज प्याज। प्याज डालने के बाद हम इसको हल्का हल्का ट्रांसपेरेंट कर लेंगे, बहुत ज्यादा ब्राउन मत कीजिएगा। प्याज यहाँ पर हल्के हल्के ट्रांसपेरेंट हो गए हैं तो अब डालेंगे हम इसमें 2 मीडियम साइज टमाटर। 1/2 टीस्पून के लगभग हम इसमें नमक भी ऐड कर देंगे। नमक डालने से टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा और थोड़ा सा हम इसको भून लेंगे। टमाटर यहाँ पर सॉफ्ट हो गए हैं, गैस की फ्लेम को हम स्लो कर देंगे और स्लो फ्लेम पर हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर और साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे 2 टेबलस्पून मलाई है। ये हमारा खास इंग्रेडिएंट है, इसकी वजह से इस सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और 1 टीस्पून के लगभग हमने डाल दी है इसमें चीनी। अब बस इन सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे मलाई के साथ और थोड़ी देर के लिए हम इसको भून लेंगे। आप देख सकते हैं इसमें से घी निकलने लगा है और अब हम इसके अंदर डालेंगे हमारी सब्जी का मेन इंग्रेडिएंट, ये है बूंदी जो इजीली मार्केट में अवेलेबल है। इसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और लगभग ये 60 ग्राम बूंदी है, मिक्स कर लेंगे। जनरली हम सभी के घर में बूंदी अवेलेबल रहती है तो इसीलिए आप इस बूंदी को ऐड कीजिए और ये सब्जी बनाकर आप तैयार कर सकते हैं। और वैसे आपके पास 1 से 2 ऑप्शन और भी हैं। इस ग्रेवी के अंदर आप उबले हुए आलू भी ऐड कर सकते हैं और पनीर भी ऐड कर सकते हैं। इंस्टेंट पनीर बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए सब चीजें हमने बूंदी के साथ अच्छे से मिक्स कर दी है। गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसको ढककर लगभग बस 1 मिनट के लिए हम ऐसे ही पकाएंगे। ढककर कुक करने से मसालों का सारा स्वाद बूंदी के अंदर आ जाएगा और बूंदी भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। 1 मिनट हो गया है, लिड को हटाकर देख लेंगे। हम डालेंगे इसके अंदर 1/2 नींबू का रस और ये बिल्कुल लास्ट में ही डालना है आपको, और थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। और फाइनली इसको हम मिक्स कर लेंगे। हमारी बूंदी की सब्जी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है, खाने में लगती है बहुत ही ज्यादा टेस्टी। गैस को हमने बंद कर दिया है तो ये लीजिए हमारी गर्मा गर्म टेस्टी और इंस्टेंट बूंदी की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। आप इसको जरूर से ट्राई कीजिए, आपको ये बहुत पसंद आएगी। और अच्छी लगे ये वीडियो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और इजी टू कुक चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।